मैथ ना रिलेटेड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो रशपा स्टूडेंट्स अज आप गल करांगे जी एक्सरसाइज 13.8 द क्वेश्चन नंबर है जी थोड़े कोल फोर्थ वन जिदे विच तुहानू दिता गया वा एरिया ऑफ सॉरी वॉल्यूम ऑफ जिदे विच तुहानू दिता गया सीगा डायमीटर ऑफ अर्थ ऑफ अर्थ इज इक्वल टू डी एंड एंड डायमीटर ऑफ मून डी बाय फोर डी बाय फोर ये थोड़ी कंडीशन दी गई है कि डायमीटर ऑफ मून इज द 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ तो आप डायमीटर ऑफ अर्थ नू डीलैट कर लिया और डायमीटर ऑफ मून आप कर लिया जी डी बाय फोर लैट कर लिया जी क्लीयर हूँ ये दो मैथड बनते हैं जो इतों रेडियस फाइंड आउट कर लो जी जो रेडियस नहीं फाइंड आउट करना तो तुम इतों की कर सकते हो जी डायरैक्टली डी नू ही कन्वर्ट करके आर की फॉर्म अगे लिख सकते हो जी मैं रेडियस ऑफ अर्थ नू डी ई लिख लिया सॉरी आर ई लिख लिया ठीक है जी वो क्या होंगे जी डी बाय टू डायमीटर ऑफ अर्थ का हाफ ठीक है जी ओके रेडियस ऑफ मून की होगा जी थोड़े को भी अपने रेडियस का की होगा अपने रेडियस का की होगा जी हाफ मैं हाफ नू डिविजन फॉर्म न इस तरह शो कर रहा जी क्लीयर ये बन जूगी जी मेरे को डी बाय फोर इंटू टू डैट इज डी बाय एट हुण मैं आर एम की जगह पर की वैल्यू पुट करूँगा जी डी बाय एट और आर ई की जगह पर मैं की पुट करूँगा जी डी बाय टू ओके जी हुण आपां नूं क्या जी रेशो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ मून ओवर वॉल्यूम ऑफ अर्थ वॉल्यूम ऑफ मून की होगा जी सफीयर है जी एक 4πr³ क्लीयर 4πr³ आर की है जी सॉरी वी आर राइटिंग हेयर आर एम ओनली और नीचे भी थोड़े को अर्थ का भी की है जी ओके नाउ फिल द वैल्यूज ऑफ आर हुण आपां आर दी वैल्यूज पुट कर देंगे जी इत्थे 4/3 ना कट हो गया पाई पाई दे ना कट हो गई जी आर एम की वैल्यू कितनी है जी डी बाय एट दी क्यूब ओके और आर ई दी की वैल्यू है जी ओनली डी बाय टू नीचे आ जूगा जी डी बाय टू का क्यूब ओके हम इन्हों जेकर आप लिखना हो जी क्यूब ओपन कर दें इतने डी क्यूब बन गया जी नीचे बन गए थोड़े को 8³ इस तरह इधर डी क्यूब और 2³ ओके जी उस तो बाद मैं डी क्यूब ओवर 8³ जेकर मैं लिखा तो मेरे को टर्म बनूंगी जी ओके हम मैं इन्हों की करूँगा जी कट कर दूंगा डी क्यूब ना डी क्यूब कट हो गया जी 2³ मतलब 8 और 8³ मीनस व्हाट इज द आंसर ऑफ 8³ now cut on 8 that is 64 answer is 1/64 and ratio is 1:64 your answer is 1:64 ए सीगा थोड़ा क्वेश्चन जी एक्सरसाइज 13.8 द फोर्थ क्वेश्चन एक ये सेम क्वेश्चन ही मतलब थोनू सरफेस एरिया दे विच आया सीगा याद होवे तो थोड़ा 13.4 का क्वेश्चन है 13.4 का क्वेश्चन है 13.4 क्वेश्चन नंबर हैगा थोड़े कोल 7th उहदे विच उन्होंने की दी गल कीती जी सरफेस एरिया ऑफ मून एंड अर्थ सरफेस एरिया ऑफ मून ओवर सरफेस एरिया ऑफ अर्थ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया मून 4πr² r is here m 4πre²
Now same fill the values of here, also cut the values of 4 and pi. Okay, RM, what is the value of RM? D by 8 and RE D by 2 square. D square by 8 square into 2 square over D square. D square cut with D square. Now 4 over 64. Now answer is 1 over 16. Your answer is 1:16. Okay, ji. Ye thoda question siga ji 13.4 da 7th question. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹੀ ਆਊਗਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡੀ ਆਰ ਐਮ ਔਰ ਆਰ ਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਡਾਇਮੀਟਰ ਆਫ ਮੂਨ ਇਜ਼ ਆ 1/4 ਆਫ ਡਾਇਮੀਟਰ ਆਫ ਅਰਥ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ 1:16। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਇੱਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਫਿਸ ਏਰੀਆ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇੱਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਲਿਊਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਫਾਇੰਡ ਆਊਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ? ਥੈਂਕ